गुजरात में आज उतरेगा दुनिया का पहला सोलर एनर्जी विमान। सोलर एनर्जी विमान से चलने वाले दुनिया के पहले विमान सोलर इंपल्स ने अपने पहले वर्ल्ड टूर के लिए अबू धाबी से उड़ान भरी। ये विमान की परीक्षण उड़ान है। ये विमान अरब सागर को पार करने के बाद भारत पहुंचेगा, जहां से वह म्यांमार, चीन, हवाई और न्यूयॉर्क जाएगा। सोलर इंपल्स के अध्यक्ष बटरन पिकार्ड ने भावुक होते हुए कहा कि एडवेंचर शुरू हो गया है। पायलट आंद्रा बोशबर्ग ने अबू धाबी के अलग बातिन हवाई अड्डे से ये ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिसका लक्ष्य हरित ऊर्जा का बढ़ावा देना है। और ऊर्जा संचालित विमान के चालक बटरिन पिकार्ड और आंद्रे बोशबर्ग ने संभवत 2 दिन शहर में रह सकते हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी रवाना होंगे। संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण स्विट्जरलैंड के इस विमान ने 1 दिन के विलम्ब से उड़ान भरी। विमान को सोमवार को ही अहमदाबाद में उतारना था, लेकिन वह आज यहां उतरेगा। पिकार्ड और बोशबर्ग अहमदाबाद में सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में जाकर पर्यावरण से जुड़ी तकनीक का संदेश फैलाएंगे। इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर, बांग्लादेश पहली बार क्वार्टर फाइनल में। बांग्लादेश ने सोमवार को एडिलेड ओवल मैदान पर आईसीसी विश्व कप 2015 के अपने सबसे अहम पूल मुकाबले में इंग्लैंड को 15 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है, जबकि इंग्लैंड का आगे का सफर समाप्त हो गया है। बांग्लादेश ने मैन ऑफ द मैच महमूदुल्ला के करियर के पहले शतक और मुजफ्फर रहीम के बीच 5वें विकेट के लिए हुई 141 रनों का रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड के सामने 276 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लिश टीम इयान बेल, जॉस बटलर और क्रिस बॉक्स की शानदार पारियों के बावजूद 48.3 ओवरों में 260 रन ही बना सकी। बीएमसी ने शाहरुख खान को भेजा 2 लाख रुपए का नोटिस। मुंबई बीएमसी की तरफ से सुपरस्टार शाहरुख खान के पास 2 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। शाहरुख खान को 7 दिनों के अंदर 2 लाख रुपए बीएमसी को देने हैं, जो शाहरुख के घर मन्नत के बाहर गैरकानूनी रैंप को तोड़ने के लिए खर्च हुए थे। पिछले महीने शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बने एक रैंप को बीएमसी ने तोड़ा था, जब वहाँ के रहने वाले और उस क्षेत्र के बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी से उस रैंप को तोड़ने के लिए शिकायत की थी। जनता के लिए बनाई गई उस सड़क पर शाहरुख खान ने अपनी वैनिटी वैन खड़ी करने के लिए एक रैंप बनाया था, जिससे जनता को तकलीफ हो रही थी और वो गैर कानूनी था। इसलिए बीएमसी ने उस रैंप को तोड़ दिया और उसे तोड़ने में हुए खर्च का बिल शाहरुख खान के पास भेजा है, जिसकी रकम करीब 2 लाख रुपए है। जातिवाद के कारण लड़के लड़कियों को मारा जाता है, उसके लिए आंदोलन। सचिन प्रभाकर सावंत 14 अप्रैल 2014 से ये अकेले यहाँ आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी इसका इशू बनाकर अपना फायदा करते हैं। देश में बढ़ रही विवाद लव जिहाद के लिए लड़के और लड़कियों को मारा जाता है, इस व्यवस्था के खिलाफ इसने धरना दिया है। मेरा नाम सचिन प्रभाकर सावंत है। मैं 14 अप्रैल से ये आंदोलन कर रहा हूँ। ये आंदोलन देश में जो जाति व्यवस्था के नाम पे लड़के लड़कियों को जो मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन मैं अकेला ही कर रहा हूँ। ये अकेला मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तक 68 साल में देश में जो राजनीतिक पार्टियाँ है, संस्था है, संगठन है, ये किसी काम नहीं आती है। जब किसी की हत्या होती है, वो सिर्फ अपना राजकीय पॉलिटिक्स खेलने के लिए या करने के लिए वो उस हत्या का फायदा उठाते, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। कलेक्टर और बीएमसी की मनमानी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। 2008 में गणेश मूर्ति नगर में इनका घर तोड़कर बेघर कर दिया और आज तक उन्हें घर नहीं मिला। 26 लोगों को घर मिला है और 137 लोग बेघर हैं। 8 फरवरी से ये लोग धरना दे रहे हैं। 2008 से कलेक्टर वाले हमारा घर तोड़ के बेघर कर दिया, तब से हम लोग 137 जन बेघर है और 24 जन का घर दिया गया।
तब से हम दर बदर भटक रहे, आज तक हमारा सुनवाई नहीं हुआ और 9 फरवरी से हम लोग इधर बैठे हैं, तभी भी कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। गोवंश विधेयक के खिलाफ देवनार पशु वध गृह और कामगार लोगों का मोर्चा। कामगार यूनियन और देवनार पशु वध गृह के यूनियन ने आज आजाद मैदान में गोवंश हत्या के खिलाफ जो बिल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पास किया है महाराष्ट्र में, उसकी कई कामगार के लोगों और देवनार पशु वध गृह के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इनका कहना है कि ये बिल रद्द कर देना चाहिए और इससे जो करोड़ों का जो नुकसान है उसे सरकार समझना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का धंधा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कामगार जो यूनियन है काम करते हैं। आज भी लोगों काम बंद है और इसके तहत जो लोगों का जो अभी गवर्नमेंट ने दो हफ्ते जो तो बंद करे 1976 में तो वहाँ पर गाय नहीं कर, लेकिन अभी हाल के अंदर 8 दिन पहले वो बहुत हफ्ता बंद कराने की वजह से महाराष्ट्र के कम से कम 1,00,000 लोगों का रोजगार छिना गया है सरकार ने, इसके विरोध में ये धरना है। मानकुर के नाले में मिला बच्चे का शव। 7 मार्च 2015 को ये 1.5 साल का बच्चा उसके घर से रात में नींद में अपहरण करके उसकी हत्या कर दी और उसे महाराष्ट्र नगर के नाले में आज उसका शव मिला। बच्चे के शव को राजावाड़ी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अब तक आरोपी की पहचान नहीं हुई है। 7 मार्च 15 बजे चित्तागडमध्ये राहणाऱ्या एका ठिकाणी तक्रार केली होती, त्याचा 1.5 वर्षाचा लहान मुलगा अब्दुल्ला नावाचा रात्री झोपलेला असताना कुणीतरी अज्ञात इसमाने घरातून पळून गेलेला आहे। अशी तक्रार केल्यानंतर आम्ही सदरी तक्रार नोंद केली। त्या तपासाच्या दरम्यान दिनांक 9 मार्च 2015 रोजी महाराष्ट्रनगर मानकुर या ठिकाणी एका नाल्यामध्ये एक लहान मुलाची बॉडी तरंगत आहे अशी माहिती आम्हाला मिळाली। त्यानंतर आम्ही लागलीत त्या ठिकाणी गेलो तर महाराष्ट्रमधील मानकूर या ठिकाणी ज्या भाड्याच्या बिल्डिंग्स आहेत त्या बिल्डिंगच्या पाठीमागे जो मोठा नाला गेलेला आहे त्या नाल्यामध्ये एका मुलाची बॉडी होती। ती बॉडी आम्ही पंचनामा करून ताब्यात घेतली आणि ती बॉडी पुढील कारवाईसाठी राजावर रुग्णालय घाट केली।